बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, जेपी चौक रेमंड शोरूम के सामने सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। हमारे कार्यक्रम चल रहे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया, 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराया गया, लाखपति बनाया गया, और 80 करोड़ लोगों को सीधा अनाज उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। और कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो ये कहे कि मोदी जी का कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर तक नहीं पहुंचा। चाहे वो वैक्सीन हो, जब दुनिया ने किसी ने वैक्सीन नहीं दिया तो भारत ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक एक व्यक्ति को देश में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। तो क्या लग रहा है उस बैठक बैठक करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने यह नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन बिहारियों को यह कष्ट हो रहा है, अब सपना भी नहीं देख सकते हैं क्या ये महागठबंधन। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम सिंचाई के कार्यक्रम कैसे बढ़े, देश में टीवी के खिलाफ कैसे अभियान चलाए जा रहे हैं, देश में अखंड भारत का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को 370 हटाने के बाद जो कश्मीर विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है, उसके पूरे चीजों के खाका को बताने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने आपातकाल की घटना का भी जिक्र किया कि जो लोग पूरे देश के लोकतंत्र को जख्मी कर रहे थे वही लोग आज उस लोकतंत्र के हत्यारे को महिमा मंडन करने का काम। बहुत ज्यादा मनीष भी आगे बढ़ा दिया, मनीष के पीछे कीजिए ना थोड़ा। 25 तारीख का दिन तो अपने आप में बिहार में काला दिवस के तौर पर होगा, जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना किया और बिहार के उन नेताओं ने, जिन नेताओं ने उस समय खिलाफ किया, वही नेता आज उनके गोद में बैठ कर कांग्रेस का महिमा मंडन करने का काम कर। धन्यवाद सर। ममता बनर्जी ने कहा कि सीपीएम से अगर समझौता होगा तो हम बंगाल में साथ नहीं करेंगे। देखिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अरे माइक नीचे, और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे हो। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है, और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे करो, कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बना। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं,
उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल, और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा, सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया सारे सेक्टर में। सुबान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पुमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा, ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें